हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं मैट्रिक्स टॉपिक को लेकर वीडियोस बना रहा था। मैंने चार पांच वीडियोस बना दिए हैं मैट्रिक्स को, क्लास ट्वेल्थ बीएससी इंजीनियरिंग के लिए। अब हम क्लास ट्वेल्थ का एक्सरसाइज 3.2 जो कि एनसीईआरटी बुक के हैं और जो कि सभी को वो क्वेश्चंस जो मैं कराने जा रहा हूँ सभी को ज़रूरत होगी, मतलब उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैट्रिक्स बेटर होगी, तो वो कराऊंगा। उससे पहले मैं एक मिनट आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की भी समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि ए बी सी, यदि मान लीजिए तीन मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को यदि पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर बाद में सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, वो किसके बराबर होगा कि बी सी के मल्टीप्लाई कर दें फिर लास्ट में ए करें। मतलब कैसे भी आप मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही आएगा। ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि तीन मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी, है ना, तो बी प्लस सी को ऐड करने पर, फर्स्ट है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि बी प्लस सी को ऐड करेंगे, जैसे बी और सी को, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी। और सेकंड है ए प्लस बी को ऐड करेंगे और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, ए सी प्लस ए बी, ये इसके बराबर होता। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं मैट्रिक्स को पहले प्लस करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर प्लस कर दीजिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं आप किसी भी रूप में, मतलब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्वेल्थ में, बीएससी में, इंजीनियरिंग में सब जगह यूज होगा। तो ये क्या है, आई ए इक्वल्स टू ए आई, कोई भी थ्योरम्स जो आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड आगे जब आएंगे तो वो यहाँ पे ये जरूर यूज होगा कोई भी चीज को डिराइव करने के लिए। तो आई ए इक्वल्स टू ए आई इक्वल्स टू ए, जहां पे आई क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए जो है कोई एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है, तो आई ए जो होता है वो ए आई के बराबर होता है तो आंसर ए ही आता है। और आई देखिए 2x2 में आई क्या होता है, 1001 ये होता है, और 3x3 का आई होता है 1000001, मतलब आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर मैट्रिक्स ही आता है, मतलब आई 1 के जैसा यूज होता है मैट्रिक्स में। तो दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हम करते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 2432, बी इक्वल्स टू 13-25 और सी इक्वल्स टू -2534। ये तीन मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं ए बी और सी। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें इन पांचों की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है ए प्लस बी, दूसरा है ए माइनस बी, तीसरा है 3a माइनस सी, चौथा है a इंटू बी, पांचवा है b इंटू ए। अब मैं कुछ कर देता हूं बाकी आपको होमवर्क दूंगा इनमें। फर्स्ट ही करते हैं हम a प्लस बी, तो आप देखिए कैसे इसको लिखना चाहिए आपको एग्जाम में ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, अच्छे मार्क्स मिले। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव a इक्वल्स टू 2432, b इक्वल्स टू 13-25। मतलब ये मैट्रिक्स लिख देंगे हम कि हमारे पास है, वी हैव का मतलब है ना, यहां हमें दिया हुआ है। हियर ए प्लस बी इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे ए प्लस बी को, ठीक है, ठीक है। तो 2+1, 4+3, 3+-2, 2+5। 2+1 क्या होता है, 2+1 होता है 3, 4+3 क्या होता है, 4+3 होता है 7, 3+-2 क्या होता है, 3-2 क्या हो जाएगा 1, और 2+5 क्या होता है 7। तो ये आपकी a प्लस बी की वैल्यू आ गई 3717, ठीक है। अब ऐसे ही आप a माइनस बी, ये आपको खुद होमवर्क करना है और जो कुछ भी आंसर आया आप कमेंट में बता सकते। तो दोस्तों देखिए अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप अभी नए नए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, मैं आपको समझाता हूं। 2, 4, 3, 2, 1, 3, -2, 5, ये दो मैट्रिसेस दिए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको बताता हूं। 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 का पहले 1 से होगा तो 2 इंटू 1 प्लस बीच में आएगा
फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा -2 से, मतलब पहला जो क्या है रो है उसका पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के, पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स के, है ना। तो 2 1 2 4 2 -2, तो ये आ गया। अब इस तरफ हमें लिखना है, नेक्स्ट यहां पे लिखना है, अब इसका क्या होगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो का, तो 2 2 3, फिर उसके बाद प्लस आएगा बीच में और 4 5, तो ये हो गया, ठीक है। फिर अब यहां पे लिखना है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे कि पहला रो तो ऊपर के लिए था, अब नीचे के लिए दूसरा रो रहेगा, तो दूसरा रो का पहले कॉलम से होगा, तो 3 1, फिर प्लस आएगा साइन बीच में, फिर 2 2 -2, तो देखिए ये लिख दिया है मैंने, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इधर पे क्या आएगा, तो 3 3, मतलब सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, 3 3 और 2 5, तो ये देखिए ये आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, या नीचे लिख देते हैं अब हम इसका आंसर, तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 1 2 + 4 2 -2, तो क्या आएगा आंसर, -4 2 4 2 8, तो -8 आएगा यहाँ पे, 3 1 3 + 2 2 4, तो -4, है ना, 2 3 6 + 5 4 20, 3 3 9 + 5 2 10, तो ये हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 - 8 कितना होता है, -6 होता है, 3 - 4 कितना होता है, -1 होता है, 6 + 20 कितना होता है, 26 होता है, 9 + 10 कितना होता है, 19 होता है, तो हमारा आंसर ये देखिए आ गया, -6 26 - 1 19, ये है आपका आंसर। अब आप ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर यदि इस तरफ देखना है तो अपन को फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, नीचे यहां के लिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से होगा, मतलब फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर नेक्स्ट स्टेप पे है, मतलब इस तरफ दाएं तरफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड स्टेप है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और फोर्थ स्टेप है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ऐसा 1 2 3 4, आप 4 स्टेप में समझ लीजिए, ये मैंने स्टेप्स बता दिए हैं। अब आपको यदि 3x3 मैट्रिक्स आता है, 3x2 4x3 आता है, तो वो भी आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब अगला जो है b into a, ये आपको खुद करना है, और जो कुछ भी आंसर आए वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो मुझे लगता है शायद आपको टफ लगते होंगे। तो कंप्यूट द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 3.2 का है ये क्वेश्चन, a² + b² b² + c² a² + c² a² + b², ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको ऐड करना है 2ab 2bc -2ac और -2ab मैट्रिक्स में, है ना। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, तो आप लिख लीजिएगा वी हैव, मान लीजिए लेट a = a, b = a, फिर नाउ एडिंग a + b = ऐसा करके लिख लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा a² + b² फिर +2ab, b² + c² + 2bc, a² + c² - 2ac और a² + b² - 2ab। अब देखिए a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b² होता है, a² + b² a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो इसकी जगह हम a + b के होल स्क्वायर से इसको रिप्लेस कर देंगे, ये लिख दिया हमने a + b का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही इधर पे देखिए, ये हो रहा है b² + c² + 2bc, मतलब ये क्या बन रहा है, b + c का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हमने लिख दिया यहां b + c का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए a² + c² - 2ac, तो ये कैसा बन रहा है आपको बताएं, ये इस टाइप का बन रहा है कि a - b यदि हो, और यहां पे क्या होगा a² + b² - 2ab की वैल्यू क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर। अब a² + b² - 2ab ये पता है आपको a - b होल स्क्वायर होता है, तो यहां पे लिख दिया a - b होल स्क्वायर,
तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। तो इसको करते हैं अपन सॉल्व ऐसा, हियर ऑन एडिंग दी बोथ मैट्रिक्स, पहले तो हम लिख लेंगे वी है, हमें दिए हुए हैं ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद ऑन एडिंग दी मैट्रिक्स तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना वो ऐड कर दीजिएगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इसका ये करस्पॉन्डिंग कहलाया, इसका ये करस्पॉन्डिंग कहलाया, तो ये आप ऐड कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, वी नो दैट, इसका मतलब है जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, मतलब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का जो सम होता है वो वन होता है। तो क्या हो जाएगा, अब यदि ये वन होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा। तो हम इन सबको मिटा के क्या लिख लेंगे नीचे, मतलब सर क्या आ गया, वन 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 वन, ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा आप नहीं मिटाइएगा, जगह की कमी के कारण मैंने मिटाया है, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या दिया है, हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी और ए, दूसरा मैट्रिक्स है ए माइनस बी बी ए। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको याद है, पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, मतलब ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये हो जाएगा। सेकंड में क्या है, इस तरफ क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। अब इस तरफ क्या हो जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, है ना, माइनस बी का ए से, ए का बी से। अब इधर पे क्या रहेगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, मतलब माइनस बी इंटू माइनस बी, ये लिख दीजिए माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, तो ये है। अब इसके बाद क्या होगा, आपको पता है ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, बी इंटू बी क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ए इंटू माइनस बी का क्या होगा, माइनस ए माइनस ए बी, और बी इंटू ए क्या होगा, ये होगा ए बी, है ना, प्लस ए बी, और माइनस बी इंटू ए क्या होगा, ये भी माइनस ए बी होगा, ए इंटू बी क्या होगा, ये ए बी होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का यदि स्क्वायर हो जाए तो वो वन प्लस हो जाता है ना, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपको कुछ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा आंसर में, यहाँ पे जीरो मिलेगा और यहाँ पर भी जीरो मिलेगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लोग ट्वेल्थ पास भी कर चुके उनके दिमाग में भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये है 3x1 का मैट्रिक्स और ये है 1x3 का मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें तीन रो है 1 2 3 लेकिन कॉलम एक है, देखिए एक कॉलम है। अब इसमें क्या है, एक कॉलम है लेकिन सॉरी एक रो है लेकिन कॉलम तीन है, 1 2 3, है ना। तो अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका आंसर सिंगल आएगा या 9 एलिमेंट बनेंगे। तो हम मैं आपको बता दूं, इसमें पहले अपना रो आता है फिर कॉलम आता है, पहले रो फिर कॉलम आता है, तो रो यहाँ पे 3 है तो ये 3 ले लेंगे हम, इसका कॉलम यहाँ पे 3 है तो इसका कॉलम 3 ले लेंगे, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स जो होंगे 9 होंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये 1 2 3 लिखा है, तो 1 2 3, अब यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 0 0 0, पहले हम 9 एलिमेंट्स ले लेते हैं, अब इस तरफ भी हम ले लेते हैं
2, 3, 4, यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, ये ऊपर के स्टेप में कर रहा हूं जगह की कमी के कारण, इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए आप 1, 0, 0, 1 का 2 से होगा, फर्स्ट रो का किससे होता है, फर्स्ट कॉलम से होता है, मतलब 1 into 2, फिर 0 का 0 से, 0 का 0 से, तो आंसर क्या रहेगा यहां 0, तो 1 into 2 भर रहेगा। अब फर्स्ट रो का किससे, सेकंड कॉलम से इस तरफ है ना, तो 1 into 3, फिर उसके बाद 0 का 0 से और ये वाले 0 का इस वाले 0 से। अब देखिए इस तरफ लाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, मतलब 1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी इस 0 का इससे, इसका इससे, तो 0 रहेगा आंसर। अब हम आते हैं इस वाले स्टेप पे, इधर पे, तो इधर क्या है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से रहेगा, तो सेकंड रो जो है 2 into, सेकंड रो मतलब ये इसका फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 2 है ना, फिर 0 का 0, 0 का 0 यही रहेगा। फिर अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से होगा, मतलब 2 into 3, तो यहाँ 2 into 3 आ जाएगा, फिर ये 0, 0 रहेगा, तो 2 into 4, यहाँ 2 into 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम लास्ट, नीचे लास्ट वाले रोज पे आते हैं कि लास्ट रो पे कैसा रहेगा, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से होगा पहले, मतलब 3 into 2 होगा, फिर 0 into 0, 0 into 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये सेकंड रो है और ये सॉरी थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे लाने के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये देखिए हो गया ना। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम चाहिए, तो हमें इसका थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम, तो है ना 3 into 4। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए अब आप समझ गए हैं कि 9 एलिमेंट्स आएंगे, ना कि एक एलिमेंट आएगा, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो 2 1 जा 2, तो क्या होता है 2 1 जा 2, 2 होता है, 2 2 जा क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, और 4 1 जा 4 ही रहेगा, 2 4 जा 8 रहेगा, और 4 3 जा क्या होगा, 4 3 जा 12 होगा। तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 3 4 4 6 8 6 9 12, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी थोड़ा सा आपके लिए शायद ट्रिकी क्वेश्चन लगे। इसमें क्या है, पहला मैट्रिक्स दिया है 1 - 2 2 3, ये है 2x2 का मैट्रिक्स पहला। दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1, ये 2x3 का मैट्रिक्स है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या आंसर होगा, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे जो जो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स पहले ही बता चुका हूं, उसमें बता दे रहा हूं फिर से कि ये रो है, ये कॉलम है, रो इनटू कॉलम होता है, तो रो इसका रो क्या है, इसके 2x2 है, तो इसका 2 ले लो, इस रो का 2 ले लो, और इसमें क्या है 2x3 है, तो इसमें कॉलम का इसका कॉलम ले लो, तो क्या बन गया 2x3, मतलब जो आंसर वाला मैट्रिक्स होगा वो 2x3 का बनेगा, मतलब उसके अंदर 6 एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 या 6 एलिमेंट्स। तो हम आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले तो इसको भी कैसे बना लेते हैं, हम इनको बना लेते हैं पहले, हम 3x3 में बना लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। 1 - 2 0 2 3 0 0 0 0, अब इस तरफ भी आ जाए 1 2 3 2 3 1 0 0 0, आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो 0 0 यहां पे बना लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आप देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 का होगा 1 से प्लस, -2 का होगा 2 से, तो आंसर क्या आएगा -4 है ना, फिर 0 का 0 से रहेगा, तो नहीं लिखने की जरूरत नहीं है उसको, फिर 1 का होगा 2 से, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम से, तो 1 का 2 से, तो 2 1 जा 2 है ना, -2 का 3 से, तो कितना होगा -6, और 0 का 0 से, तो इसको भी लिखना नहीं है, 1 का 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, -2 into 1, तो हो जाएगा -2, फिर ये 0 है ना। फिर इधर आइए आप नेक्स्ट स्टेप में, 2 का होगा 3, सॉरी 2 का होगा
वन से, है ना, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, ये है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, टू वन जा टू प्लस थ्री टू जा सिक्स, है ना। अब इस तरफ आते हैं टू टू जा फोर प्लस थ्री थ्री जा नाइन, है ना, तो इस तरफ आते हैं टू थ्री जा सिक्स और थ्री वन जा थ्री, ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया, बताता हूँ, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से हुआ इधर और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से हुआ। अब देखिए, अब ये जो है ये आखिरी रो बचा है इसका बनाने का, लेकिन मैट्रिक्स कैसा बनेगा, टू क्रॉस थ्री का बनेगा, है ना, लेकिन अभी हमें बनाना काय का है, थ्री क्रॉस थ्री का। तो आप देखिए ये थ्री क्रॉस थ्री कैसे टू क्रॉस थ्री में बदलता है, तो देखिए ये क्या है, जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, तो यहाँ आ गया जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, तो ये आ गया जीरो, फिर जीरो थ्री जा जीरो, जीरो वन जा जीरो और जीरो जीरो जा जीरो, तो ये आ गया जीरो, हो गया ना। अब यदि नीचे कोई भी एक रो है या कोई भी कॉलम है, वो तीनों मतलब सारे एलिमेंट्स उसके जीरो हो रहे हैं, तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गए हमारे ये तीन, है ना, ये तीन, ये तीन, ये तीन, तो हम नीचे के ये तीन को हटा देंगे, जीरो जीरो वाले, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा टू क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स हो गया। अब ये पहले थ्री क्रॉस थ्री का था, एक रो जो है वो जीरो हो गई पूरी, तो जिससे ये टू क्रॉस थ्री का हो गया। अब वन प्लस माइनस फोर, तो वन प्लस माइनस फोर आप सब जानते हैं माइनस थ्री होता है, टू प्लस सिक्स क्या होता है, टू प्लस सिक्स एट होता है, टू माइनस सिक्स क्या होता है, माइनस फोर होता है, फोर प्लस नाइन क्या होता है, थर्टीन होता है, थ्री माइनस टू क्या होता है, वन होता है, प्लस वन, और सिक्स प्लस थ्री क्या होता है, नाइन होता है। तो हमारा आंसर हो गया माइनस थ्री माइनस फोर वन एट थर्टीन नाइन। अब यदि आपको परेशानी है या थोड़ा फास्ट लग रहा है या स्लो लग रहा, कुछ भी है, तो आप ऊपर से सेटिंग्स में जाके स्पीड फास्ट स्लो कर सकते हैं या दोबारा से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया टू क्रॉस थ्री का, जो कि सही आंसर है। ठीक है, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स में दो मैट्रिक्सेस दिए हैं हमें, टू वन थ्री टू माइनस वन और वन, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है वन जीरो वन माइनस वन टू वन। अब देखिए, पहला मैट्रिक्स जो है वो थ्री क्रॉस टू का है और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो टू क्रॉस थ्री का है। अब हमें जो आंसर आएगा हमारा, कंफ्यूजन ये रहता है लोगों को कि आंसर में 2 क्रॉस 2 का रहेगा या 3 क्रॉस 3 का रहेगा। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का है, मतलब रो इंटू कॉलम क्या है, 3 इंटू टू। फिर ए वाला मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 3 का है, मतलब रो इंटू कॉलम 2 इंटू 3। तो जो आंसर वाला मैट्रिक्स होगा उसकी क्या ट्रिक है, इसका रो मतलब 3, इसका कॉलम मतलब 3। तो जो रो इंटू कॉलम जो आंसर वाला मैट्रिक्स बनेगा आपका सॉल्यूशन में, वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिक्स बना लिया जल्दी से, है ना, टू पहले नंबर मतलब इसका इससे होगा सबसे पहले, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, तो टू वन जा टू, तो ये आप कर लेते हैं टू वन जा टू, फिर उसके बाद वन इंटू माइनस वन, तो ये आएगा माइनस वन, है ना। अब इधर आते हैं तो टू जीरो जा जीरो और वन टू जा टू, तो ये आ गया टू, फिर टू वन जा टू और वन वन जा वन प्लस। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको थ्री क्रॉस थ्री में करें और इसको थ्री क्रॉस थ्री में करें फिर करें, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको थ्री क्रॉस थ्री में करके फिर इसमें करके बताया था, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। तो ये कर लिया हमने, अब हम आते हैं सेकेंड रो पे और इस पे, तो थ्री वन जा थ्री और टू माइनस वन, टू वन जा टू, तो माइनस टू होगा, फिर थ्री जीरो जा जीरो और टू टू जा फोर, तो ये फोर है, फिर थ्री वन जा थ्री और टू वन जा टू, तो प्लस टू, फिर माइनस वन, ये फिर माइनस वन, तो ये हो गया, फिर जीरो का जीरो है, टू वन जा टू, तो टू होगा, फिर माइनस वन आएगा यहाँ और ये वन वन जा वन आएगा। तो आपने देखा, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो टू माइनस वन कितना होता है, टू माइनस वन वन होता है, टू का टू रहेगा, टू प्लस वन क्या रहेगा, टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, है ना, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू क्या होता है, वन होता है, फोर का फोर, थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू फाइव होता है, और माइनस वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू, ये टू, और माइनस वन प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो
आंसर क्या आएगा आपका? जीरो। तो आपका मैट्रिक्स क्या हुआ? 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जो कुछ भी आपके आंसर आए वो कमेंट में कर दीजिएगा। और हाँ, आप सजेशन में भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए है, मैट्रिक्स के बाद किस टॉपिक पर चाहिए है। मैं सभी क्लास के, मतलब 8th से लेकर 12th तक और BSc और इंजीनियरिंग के वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू।